दो महीने से नहीं, 4 साल से बात की, और मैं हमेशा कहता हूं कि मजहबी आजादी सबसे बड़ी जरूरी है, आजादी की निशानी होती कि सबको अपनी नमाज पढ़ने का, नमाज पढ़ाने का बराबर हो हक होना चाहिए, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में है, और इसी तरह से मीरवाई साहब भी और बाकी जितने भी उलमा हैं वो रहा होने चाहिए, और उनको खुली आज़ादी होनी चाहिए अपने मजहब की इबादत करने की और लोगों तक पहुँचने। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के, चाहे वो कश्मीर से हैं या चिनाब वैली से निकलते हैं, इन्हीं जगह से हैं, और जो बन भी रहे हैं, उसकी बिजली नेशनल ग्रिड में जाती है और उनको हम वहाँ से भी खरीदना पड़ता है। जब तक कम से कम 50% बिजली वो हमको नहीं मिली, मैं ये नहीं कहता कि पूरा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होते दरिया तो सबके कॉमन होते हैं, जब तक 50% बिजली रियासत को, जो हमारी रियासत से निकले वो हम ही को नहीं मिले, और दूसरी स्टेट को जो भी गवर्नमेंट है उसको इस बर्फ़ को देखते हुए, जैसे मैंने पिछले साल दिसंबर जनवरी में अंदाज़ा लगाया, तो सरकार को भी अंदाज़ा लगाना चाहिए था कि अगले साल में इस विंटर में बिजली, तो उनको दुगनी बिजली खरीदनी चाहिए, तो वो ये प्रोविज़न रखने में नाकाम हुई है सर।